तो कैसर आप देख सकते हो लॉस सैंटोस में पेड़ों की कमी होती जा रही है। सारे के सारे पेड़ यहाँ पर कटते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नए नए घर बनने वाले, बिल्डिंग, मॉल, पता नहीं क्या क्या बनने वाला है, इसलिए सारे के सारे पेड़ यहाँ पर कटते जा रहे हैं। सारे के सारे जंगल भी कटते जा रहे हैं। और आप देख सकते हो अभी भी सामने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वाले लोग खड़े जो कि सारे के सारे पेड़ काटने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये सारे के सारे पेड़ आज की आज में ना गायब हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करो, हमें लॉस सेंटोस के सारे जंगलों को काट के बड़े बड़े मॉल बनाने। सारे जानवरों को या तो ये लोग मार रहे हैं या फिर उधर से भगा रहे हैं। अबे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या पेड़ में से आ रही है? एक सेकेंड, ये क्या, यहाँ पर तो ये टाइगर का बच्चा क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे क्या हो गया टाइगर, तू रो क्यों रहा है? हमारा पूरा का पूरा घर इन्होंने काट डाला, हमारे पेड़ काट डालिए, अब हम कहाँ करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे तू रो मत, उठ जा। मेरे सारे घर वालों को इन्होंने उठा उठा के ज़ू में डाल दिया, पिंजरों में बंद कर दिया, मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइज़ मैंने बोला था ना, सारे के सारे एनिमल्स को बहुत ही परेशानी हो रही है। अरे तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ इन पे अटैक कर दो, ये सारे के सारे ये छोड़ के भाग जाएंगे। मैं अटैक नहीं कर सकता, मेरी पूरी फैमिली को इन्होंने ज़ू के अंदर डाल दिया, सबको इन्होंने भूसी वाला खाना खिलाया, उसके बाद उनको ज़ू में ले गए, मैं सिर्फ अकेला बचा हूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं। छोटा टाइगर हूँ, अगर मुझे इनसे लड़ना है तो मुझे खतरनाक टाइगर बनना पड़ेगा, और मुझे खतरनाक टाइगर बनने के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा, और मैं इतना सादा छोटा हूँ कि मैं अपग्रेड भी नहीं हो सकता। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपग्रेड होना है। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपग्रेड होने के लिए? अपग्रेड होने के लिए मुझे लॉयन चाचा के पास जाना पड़ेगा, लॉयन चाचा हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलो मैं तुमको लॉयन चाचा के पास लेके चलता हूँ। रुक जाओ, लॉयन चाचा के पास जाने से पहले मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। क्या, मुझे खाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम मेरे अंदर आ जाओगे, फिर हम दोनों मिलके लॉयन चाचा के पास जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। अम नम 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 नम, मुझे बचाओ। तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, अब हम दोनों को मिलके इस पूरे जंगलों को बचाना पड़ेगा, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा, उसके लिए मैं बहुत ही खतरनाक टाइगर में अपग्रेड होना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो मैं इस टाइगर के साथ जुड़ चुका हूँ, और अभी हम जा रहे हैं लॉयन चाचा के पास मदद मांगने, ताकि हम इन सारे जंगलों को बचा सके। तो गाइज़ अभी हम पहुँचने वाले चाचा लॉयन के पास, और यहाँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। चाचा लॉयन, आपको क्या हो गया? मेरे बच्चे, हमारा पूरा का पूरा जंगल कट गया और सारी चीजें सूख चुकी है, मैंने कुछ खाया नहीं है, लगता है मैं मर जाऊंगा। चाचा लॉयन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको मरने नहीं दे सकता, फ्रैंकलिन हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? मेरे बच्चे, मुझे लगता है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट, हमें कुछ 10 मिनट में करना पड़ेगा। चाचा लोयन, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो गाइज़र यहाँ पे देख सकते हो, तो जंगल पूरा का पूरा सूख चुका है, पूरा डेजर्ट बन चुका है, सारे के सारे पेड़ कट चुके हैं, और चाचा लोयन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हमें उनको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा। चलो फटाफट चलते हैं, इनके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो गाइज़र चाचा लॉयन को खाना हमें खिलाना है, उसके लिए मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारी मुर्गियाँ मिलने वाली हैं, इसलिए मैं मुर्गियाँ चुराने वाला हूँ, और वहाँ पर वो अंकल खड़े जो कि इनके मालिक हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यार गन वन लेके घूमते, तो अगर उसने मुझे देखा तो सीधा मुझे गोली से उड़ा देगा। तो सामने मुझे मुर्गियाँ दिख रही है, इसमें बतख भी पीछे में यहाँ पे घूम रही है, पर मुझे मुर्गियाँ चाहिए, तो मुझे ये वाली सारी की सारी मुर्गियाँ चुरानी पड़ेगी। कम से कम 15 मुर्गी चाहिए हमारे चाचा लॉयन का पेट भरने के लिए, कम से कम 15 मुर्गियां हमें चाहिए होगी। चलो फटाफट से चलते हैं, और यहाँ पर सारी मुर्गियां आ चुकी हैं। अरे ये आवाज क्यों कर रही है? कौन है, कौन आवाज कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये? क्या, ये क्या चीज है? क्या ये एक मुर्गी है?
मुझे ये मुर्गी नहीं लग रही। मुझे लगता है ये मुर्गी ही है, अलग तरह की मुर्गी है। ऐसी मुर्गी तो मैंने आज तक नहीं देखी। चलो इसको काट के मैं खा लेता हूँ। ये मुर्गी तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, मैं इसको पका के खाने वाला हूँ। उससे पहले मुझे इसको काटना पड़ेगा। अरे ये तो मुझे काटने की बातें कर रहा है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भागो, ये अंकल तो बिल्कुल ही पागल है, मुझे काटने वाले। अरे कैसर मैं क्या करूँ, मुझे इनकी मुर्गी भी चाहिए। रुक जा मुर्गी, मैं देखो खाना चाहता हूँ। रुक जा मुर्गी। अरे कैसर क्या करूँ, इस गाड़ी में बैठ जाता चुपचाप। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते। अरे अंकल तो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अरे अंकल गाड़ी से उतरो। ए मुर्गी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, गाड़ी कहाँ लेके जा रही है। रुक जा मुर्गी, मैं भी चलूंगा। अबे तेरी तो अंकल, ये ले। तू कैसे पड़ा पड़ जा, अंकल को मार दे। कब से मुझे परेशान करने जा रहे, मुझे मुर्गी समझ के अभी ये काट देता मेरी गर्दन पर। कोई बात नहीं कैसर, अभी हमने उसको मार दिया और अभी मैं सारी की सारी मुर्गियां चुराने वाला हूँ। अंकल उठे, उससे पहले जल्दी सारी मुर्गियां अपने ट्रक में डाल लेते हैं। चलो मुर्गियों। तो कैसर अभी मैंने सारी की सारी मुर्गियों को अपने ट्रक में भर लिया, चलो इनको लेके चलते हैं। अरे ये क्या पक 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 करने जा रही है, जल्दी इनसे लेके चलते हैं। अबे ये तो गिरने लगी, मुझे गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ेगा वरना ये गाड़ी में से निकल के गिर जाएगी। चलो इनको फटाफट से लेके चलते हैं चाचा लॉयन के पास। लॉयन चाचा, लॉयन चाचा, हम आ गए आपके लिए मुर्गियां लेके। तो कैसे हम यहाँ पर आ चुके, फटाफट इनको सारी मुर्गियां खिलानी पड़ेगी हमें। लॉयन चाचा आके खोलो, सारी की सारी मुर्गियां खा लो। अरे बेटा तो कैसे अभी हमारे चाचा लॉयन सारी की सारी मुर्गियां खाने चालू हो चुकी है। अरे बेटा तूने तो मुझे मुर्गियां खिला के बचा लिया, मुझे नहीं लगा था मैं जिंदा रह पाऊंगा पर तूने मुझे बचा लिया। चाचा लॉयन आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब आप मेरी मदद करो, मुझे अपग्रेड होना है खतरनाक से टाइगर में। बच्चे मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, अभी तूने मुझे मुर्गी खिला के जिंदा कर दिया, इसलिए मैं तुझे तेरा पहला अपग्रेड देने वाला हूँ, ये ले। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ अपने सबसे पहले टाइगर में। मैं एक बेबी टाइगर से खतरनाक से टाइगर में अपग्रेड हो चुका हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं कितने बड़े बड़े जंप मार पा रहा हूँ, पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। बच्चे ये तो कुछ नहीं है, बच्चे ये तो कुछ नहीं है। अगर तुझे लॉस सैंटोस के सारे जंगलों को बचाना है तो तुझे दुनिया का सबसे खतरनाक टाइगर बनना पड़ेगा, ताकि तू सारे के सारे लोगों को मार सके जो भी तेरे रास्ते में आए। हाँ चाचा लोयन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे और भी अपग्रेड होना है। चल बच्चे मैं तुझे अपग्रेड करता हूँ, फिर हम जंगल साथ में बचाएंगे। हाँ चाचा लॉयन चलो फटाफट से अपग्रेड होते हैं चलकर। तो कैसर अभी हमारे साथ चाचा लॉयन भी बैठ चुके, उनको हमने वापस से ठीक कर दिए और मैं पहली लेवल पे अपग्रेड भी हो चुका हूँ। मैं थोड़ा सा खतरनाक टाइगर बन चुका हूँ, पर कैसर थोड़े खतरनाक से कुछ नहीं होगा, हमें दुनिया का सबसे खतरनाक टाइगर बनना है उसके लिए बहुत बार अपग्रेड होना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से अपग्रेड होते। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में जो भी जीतेगा वो होने वाला है अपग्रेड, और वो आगे जाके बन सकता है दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। और ये चैलेंज होने वाला है टाइगर और पांडा के बीच में। तो मैं बताता तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग अलग वजन की गाड़ियां पड़ी है, कार, वैन, ट्रक, बड़ी बोट और एक खतरनाक सा कार्गो प्लेन। और सेम यहाँ पर भी है, कार, वैन, ट्रक, बोट और कार्गो प्लेन। तो तुम दोनों को एक एक करके जाके एक एक चीज फेंकनी है, पहले कार, फिर वैन, फिर ट्रक, फिर बोट, फिर प्लेन। अगर तुम में से किसी ने सिर्फ ट्रक को उठा पाए और अगर दूसरे ने बोट को उठा दिया तो वो जाएगा अगले चैलेंज में और होगा अपग्रेड। तो तुम दोनों को सारी की सारी चीजें उठाने की कोशिश करनी है, देखते कौन कितनी उठा पाएगा। सबसे पहले पांडा। सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ सारी की सारी गाड़ियों को उठा के फेंकने के लिए। सबसे पहले ये कार, चलो इस कार को फेंक देते। सर मैंने इस कार को फेंक दिया। टाइगर अब तुम्हारी बारी। ओके सर, चलो कैसर फटाफट से इस कार को उठाते हैं और फेंक देते हैं। मैंने भी इस कार को फेंक दिया। बहुत बढ़िया, अब वैन उठाओ। ओके चलो फटाफट से वैन उठाते हैं और फेंक देते हैं। मैंने वैन को भी फेंक दिया। मैं भी वैन उठा के फेंकूंगा, उसने फेंकी मैंने भी फेंक दी। बहुत बढ़िया, अब तुम ट्रक उठाओ। ओके अब मैं ट्रक उठाऊंगा,
इस पांडा ने तो यार पूरी की पूरी ट्रक उठा के फेंक दी। मैं भी इस ट्रक को उठाऊंगा, ये बहुत भारी है, ये सही में बहुत ही भारी है, पर मैंने उठा के इसको फेंक दिया। बहुत बढ़िया, अब बोट की बारी। चलो काइजर फटाफट से इस बोट को उठाने की भी कोशिश करते हैं। उठ जा, ये तो बहुत भारी है, उठ जा उठ जा। अरे ये बोट तो वापिस से नीचे गिर गई। नहीं नहीं, मुझे इस बोट को पूरा उठा के फेंकना पड़ेगा। वापिस उठाते, मैंने इस बोट को भी उठा के फेंक दिया। वो पांडे का बच्चा पक्का बोट नहीं उठा पाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तूने क्या कहा, मैं बोट नहीं उठा पाऊंगा, अभी बोट रोक के दिखाता हूँ। ये बोट उठाना तो बहुत इजी है। मैंने उसको उठा लिया और फेंक भी दिया। बहुत बढ़िया, अब तुम दोनों में से जो भी उस प्लेन को उठा पाएगा वो ये चैलेंज जीतने वाला है। मैं तो इस प्लेन को आराम से उठा लूंगा, ये तो बहुत ही हल्का लग रहा है। ये प्लेन मैंने उठा लिया, ये निकल गया से। अरे काइजर, ये क्या, इस पांडे का बच्चे ने तो पूरा प्लेन उठा के फेंक दिया, उसको ब्लास्ट कर दिया। मैं कैसे उठा पाऊंगा, मेरे से तो बोट भी ढंग से नहीं उठ रही थी, पर हमको कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो काइजर, अगर आप चाहे तो मैं प्लेन को उठा के फेंक दूं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत ही ज्यादा भारी होने वाला है। उठा लिया उठा लिया उठा लिया, ये बहुत भारी है, ये तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। और काइजर आप देख सकते हो, मैंने इस प्लेन को पूरा का पूरा यहाँ पर चूर चूर कर दिया, इसको उठा के फेंक दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम सारी की सारी चीजें उठा के फेंक दोगे, तुम दोनों बहुत ताकतवर हो। इसका मतलब कि हम दोनों अपग्रेड होने वाले? नहीं नहीं नहीं, अपग्रेड तो सिर्फ एक ही होगा, अगले चैलेंज में तो सिर्फ एक ही जाएगा, मुझे तुम दोनों के बीच एक और चैलेंज कराना पड़ेगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, आ जाओ। तुम दोनों का स्वागत है इस खतरनाक सी बॉक्सिंग रिंग में। पहले वाला चैलेंज तो हमारा फेल हो गया, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा पाया अगली लेवल में अपग्रेड होने के लिए, पर इस बार फेल नहीं होने वाला। तुम दोनों के बीच में होने वाली है बॉक्सिंग, और इस कॉम्पिटिशन में जो भी जीतेगा दूसरे को हरा के वो जाएगा अगली लेवल में दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनने के लिए। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं, 3, 2, 1 फाइट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा टाइगर, ये ले। अबे इसकी तो यार, इसको नहीं छोड़ने वाला मैं। तो काइजर, इस पांडा की ऐसी की तैसी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये ले पांडा के बच्चे, ये बिशु या बिशु। अरे मेरे मुंह पे मार दिया, अबे मुंह पे मारने की नहीं है, चीटिंग मत कर, ये या बिशु। तू नहीं जीत सकता, मैं ही दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनूंगा, ये ले ये ले। अबे तू खा। तो काइजर, मैं इस पांडा को मारने वाला हूँ, पिछली बार तो इसने सेम से मेरे जितना वजन उठा लिया, पर इस बार नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। या बिशुम। अबे तू क्या मारेगा, ये ले साले बिल्ली। मुझे बिल्ली बोला? मैं बिल्ली नहीं हूँ, साले मोटे पांडा, ये ले। मुझे मोटा बोलेगा, ये मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे खाने वाने की बात नहीं हुई थी, बॉक्सिंग की बात हुई थी। अरे काइजर, ये पांडा सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसके सामने कितना कमजोर हूँ, इतना मोटा है। अबे मोटे, ये गेम भागने का नहीं है, लड़ाई करने का है, रुक जा। लड़ाई करता है? अबे रुक जा, तेरे से ऊपर से खुद क्या लड़ाई करूंगा या भूम, ये ले। तो काइजर, इस पांडा के बच्चे को मुझे कैसे भी करके हराना पड़ेगा, अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तो मैं अगले चैलेंज में नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है। एक मिनट? ये ले पांडा के बच्चे, एक मिनट है, मर जा मोटे। मैं नहीं मरूंगा, तुम मर जा बिल्ली। पांडा, मैं तुझे बहुत सारा बैम्बू खिलाऊंगा, तू मुझे बस जीतने दे। अगर तुम मुझे अभी के भी डायमंड भी लाके देगा ना, तो भी मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा बिल्ली। एक तो ये बार बार बिल्ली बिल्ली किसको बोल रहा है, आप इसको खत्म करने का टाइम हो चुका है। 30 सेकंड और। क्या 30 सेकंड? पांडा के बच्चे मर जा, बस 30 सेकंड बचे, ये ले। अरे ये तो सही में मेरे को बहुत ही तेज मार रहा है, पर मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, फिर से यहाँ पर कूद के मारेंगे। ये सुपरमैन पंच, मैं ही गिर गया। क्या हो गया बिल्ली? 10 सेकंड, 10, 9, 8। पांडा पांडा मर जा, पांडा के बच्चा। 5, 4, 3, 2। अरे मैंने मार दिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। बहुत बढ़िया टाइगर, तुमने पांडा को हरा ही दिया, पिछले चैलेंज में तुम नहीं हरा पाए, पर इस चैलेंज में तुमने उसको हरा दिया, और तुम जाने वाले हो अगले चैलेंज में। ये काइजर, आखिरकार मैंने उस पांडा के बच्चे को हरा दिया, और मैं जाने वाला हूँ अपने अगले चैलेंज में, और वो वाला चैलेंज खत्म करके मैं बनूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। अरे लॉयन चाचा, हमें तो अपग्रेड होना है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे टाइगर, मैं तुझे अपग्रेड ही करवाऊंगा, तू टेंशन मत ले, पर मैं तुझे मिलवाना चाहता हूँ मेरे बेटे लॉयन से।
आजा, ये है मेरा बेटा लॉयन। क्या, ये आपका बेटा है? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर आप इससे मुझे क्यों मिलवा रहे हो? तुम दोनों मेरी बात सुन लो, तुम दोनों ही अपग्रेड होना चाहते हो। टाइगर अपग्रेड होना चाहता है दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर में, और मेरा बेटा लॉयन अपग्रेड होना चाहता है दुनिया के सबसे खतरनाक लॉयन में। मैं तुम दोनों में से किसी सिर्फ एक को अपग्रेड कर सकता हूँ, दोनों को नहीं। तो पापा पापा मुझे अपग्रेड कर दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपग्रेड करो। ऐसे कोई अपग्रेड नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपग्रेड होना है तो तुम्हें चैलेंज जीतना पड़ेगा। चैलेंज? कौन सा चैलेंज? तुम दोनों के बीच में एक चैलेंज होगा, जो भी उस चैलेंज को जीतेगा वो बनने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। या तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक टाइगर हो सकता है, या तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक लॉयन। वो तो जो चैलेंज जीतेगा फिर ही पता चलेगा। क्या तुम तैयार हो? पापा मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। लॉयन चाचा मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो फिर चलते हैं तुम्हारे चैलेंज पर। तुम दोनों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में जो भी जीतने वाला है उसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल में। वो मेरा बेटा भी हो सकता है और टाइगर तू भी हो सकता है। तो मैं तुमको बताता हूँ इस चैलेंज में करना क्या है। कोई सी भी गाड़ी लो और जाओ, निकल चलो स्टार्टिंग से फुल स्पीड में। इस टायर के बीच में से निकल के सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते इस खतरनाक चीज में से निकलना है, और बाकी के सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते इस खतरनाक से रोड से जाना है, और इन बॉक्सेस के बीच में से निकल के पहुंचना है फिनिशिंग लाइन पर। जो भी इस ट्रॉफी तक पहुंचेगा उसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। चलो चैलेंज शुरू करते हैं। अरे पापा आप देख लेना, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। ये तो बहुत इजी है, मैं आराम से गाड़ी चला के जाऊंगा और इस चैलेंज को जीत के दिखाऊंगा। तो कैसर अभी आप देख सकते हो ये लॉयन का बच्चा यहाँ पर निकल चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चार पैरों वाला लॉयन पहली बात तो गाड़ी कैसे चला रहा, पर अभी इसने अपनी गाड़ी को खुदा लिया है और यहाँ पर बढ़िया सी लैंडिंग भी कर दी है। और कैसर मुझे इससे अच्छी गाड़ी चलानी है कैसे भी करके। और अभी आप देख सकते हो ये एक और बड़ा सा जंप इसने यहाँ पर कर लिया सारे ऑब्स्टिकल को पार करते करते। ये लॉयन का बच्चा तो बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहा है। मैं ये कैसे भी करके जीत के रहूंगा, मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनना है। तो कैसे ये लॉयन अच्छी गाड़ी चलाता है मैंने माना, पर हम इससे भी ज्यादा अच्छी चलाएंगे अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और अगर आप कमेंट लिखोगे गुड लक टाइगर तो मैं इससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। और अभी आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में, और ये आखिरी जंप आ चुका है। चारों स्क्वायर को पार करते करते ये जा रहा कहां जा रहा। अरे मुझे बचा। मेरी बात सुनो टाइगर, मेरे बेटे ने तो फिनिशिंग लाइन से आगे चला गया। अगर तुम्हें ये चैलेंज जीतना है और अपग्रेड होना है खतरनाक से टाइगर में, तो तुम्हें फिक्स फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना पड़ेगा। अगर उससे पहले तुम गिरे तो मेरा बेटा बन जाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो कैसर अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। वैसे मैंने बोल तो दिया मैं तैयार हूँ, पर मुझे तो यार बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो ये आखिरी मौका है, अगर आपने अभी तक कमेंट में गुड लक टाइगर नहीं लिखा तो लिख देना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और पहला जंप तो मैंने आराम से यहाँ पर कर दिया, इसको फटाफट से मारते हैं। ये ले। तो गाइस पहला जंप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, दूसरे ऑब्स्टिकल से निकलते और दूसरा भी हमने बहुत ही ज्यादा इजीली कर लिया। पर अब ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। बड़े बड़े पंखे यहाँ पर है तो मुझे बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी भिड़ा तो मैं तो निकल जाऊंगा इस चैलेंज से बाहर। चलो यार फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ। अरे मेरी गाड़ी इधर उधर कहां जा रही है, मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक लॉयन बनना है। चलो। अरे ये क्या हो गया? अरे कैसर मैंने सोचा ऐसे ही पड़े होंगे, पर ये तो ब्लास्ट हो चुका है। इसको भी ब्लास्ट करते हैं, इस वाले को बूम, इस वाले को ब्लास्ट करके बूम। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कहीं मेरी गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। चलो यार फटाफट चलते हैं, मेरी गाड़ी यहाँ पे स्लो हो चुकी है। और ये हमारा आखिरी जंप, पिछली बार लॉयन यहाँ पे फेल हो चुका था, उसने बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी को ले लिया था। पर हम ज्यादा स्पीड में नहीं जाने वाले, बिल्कुल सही स्पीड में हम जाएंगे।
जाएंगे और आप देख सकते हो हम जा रहे हैं और हम आ गए फिनिशिंग लाइन पर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये चैलेंज पूरा कंप्लीट कर दिया। हट जाओ दीदियों, सबको मार देंगे। मैंने ये पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और हमें ये ट्रॉफी मिल चुकी है। इसका मतलब मैं अपग्रेड होने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर में। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने बहुत ही अच्छी तरह खेला। आज तुमने सारी मेहनत करी और आखिरकार तुम अपग्रेड होने वाले हो एक खतरनाक से टाइगर में। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी कर दो। 3, 2, 1 ये ले। और काइजर आप देख सकते हो मैं फाइनली अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से टाइगर में। मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ और आप देख सकते हो लड़कियों में मैं अटैक भी कर सकता हूँ। ये ले। तो काइजर जैसे मैं इन सबको मार रहा हूँ वैसे ही जिन्होंने सारे के सारे जंगल काटे थे उन्हें मारने वाले। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते। लॉयर अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे क्यों मार दिया? अरे सॉरी अंकल थैंक यू अंकल, बाय बाय। तो काइजर अभी हम निकल चुके और हम जाने वाले सीधा उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने हमारे जंगल काटे थे। फटाफट से उनके पास चलते हैं। तो काइजर फाइनली हम दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल बन चुके हैं द टाइगर। और अब इन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला जो कि सारे के सारे जंगल काट रहे हैं। अब बेबी टाइगर का बदला हम लेने वाले इन सारे के सारे जंगल काटने वालों से। मैंने नहीं छोड़ूंगा। तुम सब के सब नहीं बचोगे। ये लो, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं एक खतरनाक से एनिमल और एक ह्यूमन का अपग्रेडेड वर्जन हूँ और इन सबको बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ। तुम नहीं बचोगे। इनके ट्रक उठा उठा के इनके ऊपर ही फेंकूंगा। निकल जाओ इस जंगल को छोड़ के। ये लो, सारे के सारे इनके तोड़ दूंगा। तू भी ले। तू कहाँ जा रहा है? मेरा जंगल खराब करने आया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इनकी सारी की जेसीबी ट्रक सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसको उठाएंगे यहाँ से और निकल यहाँ से। ये सारे के सारे लोग कब भाग गए? मुझे इनको रोकना पड़ेगा। इनको पकड़ पकड़ के मारूंगा। ये देखो किधर भाग रहा है, इधर। इसको तो पानी में डिबोडी भाग मारूंगा। निकल यहाँ से। और भी बहुत सारे लोग भागे थे, वो देखो एक और भाग रहा है। इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा चक्कर खराब करके कहाँ जा रहा है इतना? तो गाइस सर कमेंट करके बताओ इसके साथ क्या किया जाए। इसको मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? जब तक मैं इसको अपने साथ ही लेके घूमने वाला हूँ मैं इसको नहीं छोड़ने वाला जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। और इस जंगल में अब जो भी लकड़ियां काटना आएगा पेड़ काटना आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना। हम बन चुके दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर और अब इस जंगल को कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं इधर रहने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और इस आदमी के साथ हम क्या करें वो भी बता देना क्योंकि इसकी हालत तो मैं बहुत ही खराब करने वाला हूँ। आज की वीडियो से बिताई, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।